ये रहा हाईवे जो कि आप देख रहे हैं, और यहाँ से होते हुए ये रास्ते की ओर और ये रहे रोशन भाई। गुड मॉर्निंग बोल दो भाई। मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो आप लोग? मैं बढ़िया हूँ, ये भाई बढ़िया है, भाई को प्यार दो यार। और ये रहा बिल्डिंग, और ये हमारी कैंप जो कि कल रुका था रात में यहीं पे, और भाई से परमिशन लेकर रुका था यार। हेलो इंडिया, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, और स्वागत करता हूँ आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइस, कुछ ऐसा हुआ कि कल आपको बताया भी था, शाम को काफ़ी थक गया था यार, और शाम को हम लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए होता है जो कि अरेंज करना पड़ता है, लोकल लोगों से बात करनी पड़ती है, सो परमिशन लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपको कैंप लगाने के लिए। तो कल भाई ने परमिशन दिया हमें और यहीं पर कैंपिंग किया। तो पीछे जो आप देख रहे हो ये कैंप है हमारा, और यहीं पर रुका था रात में। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रखा है, मॉर्निंग का 7:30 हो रहा है अभी, और यहाँ से गाइज निकलना है हमें तेजपुर के, तेजपुर से ही मतलब रूट गया है पासीघाट के लिए जो कि अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, और अरुणाचल प्रदेश में जा रहे हैं हम लोग। सो यहाँ से तेजपुर अराउंड मतलब 20 या 23 किलोमीटर के अराउंड है। सो देखते हैं, आज की चेकिंग स्टार्ट करते हैं और देखते आगे क्या होता है, क्योंकि आगे की सीरीज तो पूरा का पूरा भी मतलब अरुणाचल का ही आने वाला है। तो आप लोग वीडियो देखते रहो। और गाइस, कुछ ऐसा है कि कल भाई ने भी हमें बता दिया था चार्जिंग के लिए पूछा था, तो यहाँ पे चार्जिंग का भी सुविधा हमें मिल गया था, जो कि आप देख सकते हो फ़ोन वगैरह जितना पावर बैंक है सारा चार्ज कर लिया यहीं पे। और भाई ने काफ़ी अच्छा जगह बताया यार रहने के लिए, हालांकि ये भाई का तो नहीं है, किसी अदर मालिक का है, बट क्या हुआ ऐसा कि मतलब भाई ने कॉल करके मालिक से परमिशन लिया, और परमिशन लेना पड़ता है यार आप अगर कहीं कैंपिंग करते हो तो। वैसे भी थोड़ी जिस एरिया में मैं रुका हूँ ना, ये थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि कुछ लोगों से बात करके पता चलता है, सो अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते, अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, मतलब क्या ही बताऊँ, एक्सपीरियंस जो है मतलब बुरा ही होता है कभी कभी, और अच्छा भी होता है, जो कि आप देख सकते हो पिछले वाले विलेज में मैं रुका था, और उससे भी पिछले रुका था मतलब कई विलेज में, तो अच्छे खासे एक्सपीरियंस मिलते हैं। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं, तो अगर आप भी ऐसा अगर मतलब ट्रैवलिंग करते हो चाहे कुछ भी करते हो तो बिल्कुल सेफ़ रहना और सेफ़ एरिया में ही रहना, तो वो आपके लिए मतलब हमारे लिए थोड़ी सी सुरक्षा बन जाता है यार, ये ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ट्रैवलर है आज, मतलब नए नए लोगों से मिलना होता है यार, नए नए जगहों पर जाना होता है, तो आप समझ सकते हो उस चीज़ को। और जैसे जैसे आगे की ओर जाऊँगा अपना अरुणाचल के साइड में, तो उधर भी मतलब थोड़ी सी इससे ज़्यादा मतलब डेंजरस एरिया है पासीघाट साइड में, मतलब कुछ लोगों ने बताया कि उधर थोड़ा सा अपना नक्सलवादी क्षेत्र है, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी तो फ़िलहाल इधर ही आसाम में, और यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से जाने में 2 दिन का वक्त तो लग ही जाएगा। हालांकि यार जो भी हो, एक्सपीरियंस जो है यहाँ का तो मेरे हिसाब से सही है, बट लोगों की जो मतलब कई जगहों पर बात करने का जो होता है ना तरीका, वो सही नहीं होता और वो हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए कोई नहीं, देखते हैं आज यहाँ से पहले निकलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। कल रात को तो यहाँ पर मतलब अच्छे से रुक गया था, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं आया और ना ही किसी भी तरह की परेशानी हुई। सो गाइस, अब चलते हैं यहाँ से, और फाइनली यहाँ से विदा लेने का वक्त आ चुका है, और टेंट वेंट सारा बिल्कुल वो कर लिया, पैक कर लिया, और निकलते हैं यहाँ से पासीघाट के लिए, क्योंकि आपको पता भी था तेजपुर होते हुए जा रहे हैं आसाम की जो है, और यहाँ से अभी काफ़ी दूरी है, 400 कुछ किलोमीटर है, देखते हैं 2-3 दिन का भी टाइम लगेगा, और बीच में कहीं गांव में रुकते हुए चलेंगे। कल तो गांव वाला के मिला नहीं क्योंकि कल ज़्यादा शाम हो गया था, तो चलिए चलते हैं, चला जाए, ओह चलते हैं यार, चलो। और कुछ बताना चाहूँगा कि आज की फर्स्ट की चेक जो कि होने वाली है, देखते हैं कौन ऐसा भाई मिलता है जो हमें लिफ्ट देता है यार। तो गाइस, आज सुबह की फर्स्ट लिफ्ट यार मिल ही गया यार, यहाँ से एक भैया मिले हैं, और भैया आपका क्या नाम है? अच्छा, तो बहुत बहुत थैंक यू भैया लिफ्ट देने के लिए। तो देखते हैं यार भैया कहाँ तक जाते हैं, और यह है हमारी आज की फर्स्ट लिफ्ट, और हमें यहाँ से निकलना है पासीघाट अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो देखते हैं, अभी तो 2-3 दिन और भी स्टे करना पड़ेगा, तो आप लोग इंजॉय करो वीडियो को। तो गाइस, कुछ ऐसा हुआ था कि यार कैश थोड़ी सी कैश की दिक्कत हो गई, तो एटीएम आना पड़ा कैश निकालने के लिए, और ये रहा एटीएम, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कैश है, ज़्यादा तो है नहीं, कुछ ही है, देखते हैं यार अभी आगे तो बहुत ही मतलब पैसे ही काम पड़ेंगे। फाइनली अभी तेजपुर सिटी के अंदर में हूँ, और भैया तेजपुर ही छोड़ दिए थे पहले ही चेक आज सुबह का, और देखता हूँ यहाँ से हाईवे पकड़ता हूँ, और अभी कुछ खा भी लिया यार,
और खाने का वीडियो नहीं शूट किया क्योंकि बार बार अगर आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे ना, इस वजह से करके मैं उसको शूट नहीं किया। और यहाँ से चलते हैं, अभी सिटी के अंदर में है, थोड़ी सी सिटी से बाहर चलते हैं, फिर ही चेक करते हैं और देखते हैं यहाँ से अपना अरुणाचल प्रदेश पासीघाट कितने दिनों में पहुँचते हैं, 2 या 3 दिन जो भी लग जाए, रुकते हुए जाना है हम लोगों को। सो हेलो इंडिया, मैं हूँ अभी इस वक्त रंगापारा रेलवे स्टेशन, जो कि यार पता है अभी आपको बताया भी था कि मैं तेजपुर में था और तेजपुर से ही चेक कर रहा हूँ। सो अराउंड तेजपुर से रंगापारा 30 किलोमीटर के आसपास है, जो कि मैं यहाँ पे आ गया। और इस रेलवे स्टेशन पे आने की वजह मतलब क्या है, और मैं ही चेक करके जब ट्रैवल कर रहा था और फिर रेलवे स्टेशन पे क्यों आया, तो मैं इसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ गाइस। क्योंकि एक ट्रेन का एक्सपीरियंस जो है ना वो भी लेना चाहिए लोगों को, और मुझे ये मैं उस लिए मतलब ऐसे तो नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ट्रेन तो ऐसे मतलब मैं सफ़र किया हूँ ट्रेन से, ऐसी कोई बात है नहीं। और रह गई चेक की बात, तो चेक भी बिल्कुल करना आसान है और उतना जैसा आप लोग सोचते हो वैसा बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर समझ लो। और मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि यहाँ से अपना रंगापारा जो कि असम में पड़ता है तेजपुर से अराउंड 30 किलोमीटर, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ मारकुंग स्लेक, जो कि यहाँ से कुछ है मतलब 150 किलोमीटर के राउंड है, जो कि द लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन है और असम में पड़ता है मारकुंग स्लेक। और वहाँ से जैसे कि आपको बताया भी था कि हम लोग निकल रहे हैं अपना अरुणाचल प्रदेश, और पहले पासीघाट जाऊँगा और पासीघाट से होते हुए अरुणाचल प्रदेश की ओर जाऊँगा। सो अरुणाचल प्रदेश की ओर जाने से पहले मैं सोचा कि यार मतलब क्यों ना एक ऐसा एक्सपीरियंस लिया जाए जो कि इंडिया का सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन हो, और यहाँ पे जो मैं हूँ अभी रंगापारा रेलवे स्टेशन, और यहाँ से अभी हमारी ट्रेन जो कि अभी रात का टाइम हो रहा है और अभी 7 बज रहे हैं, और हमारी जो ट्रेन है वो 12:30 बजे है ट्रेन यहाँ से। सो देखते हैं कैसा वो होता है। और इधर की यार मैं बताऊँ तो जनसंख्या ना के बराबर, आप देख सकते हो बिल्कुल प्लेटफॉर्म खाली खाली सा है, और ट्रेन भी मतलब मैं अभी यहाँ पे 1 घंटे से हूँ। सो ट्रेन भी देख रहा हूँ यार, ट्रेन में लोग तो बिल्कुल ना के बराबर दिख रहे हैं यार, मान के चलो जैसे नॉर्मल 150 लोग हो, और ज़्यादा डब्बे भी नहीं होते, 6-7 डब्बे होते हैं। सो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है हमारे साथ, जो कि इंडिया का सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन है मारकुंग स्लेक, जो कि मैं आपको सुबह मिलूँगा वहाँ पे। और अभी यहाँ पे मैं रुका हूँ और भाई भी यहाँ पे है, और हमारी चार्जिंग का भी व्यवस्था मिल गया यहाँ पे, आप देख सकते हो पावर बैंक फ़ोन वगैरह सारा कुछ चार्ज हो रहा। तो भाई क्या बोलना चाहोगे? मैं बोलूँगा नाचूँगा भाई। नाचूँगा क्यों? क्यों नाचने का वजह क्या है भाई? हम जा रहे हैं इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन पे भाई। वो तो है बिल्कुल। सो गाइस कुछ ऐसा है कि मैं इसी वजह से करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाह रहा था उस चीज़ को। सो इस एक्टर ऐसे कर सकता था, बट कोई नहीं यार, थोड़ी सी एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए। सो ऐसे करके मैं यहाँ पे आया और देखता हूँ 12:30 बजे की ट्रेन है तो क्या सीन बनता है हमारी। और चलिए तब तक के लिए आप इंजॉय करो।